अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे चिकन टिक्का रोल, जिसे खाकर आप रेस्टोरेंट का रोल खाना तो भूल ही जाएंगे और मेहमानों को अगर खिलाएंगे तो उनकी खूब तारीफें पाएंगे। तो चलिए इसे हम बनाते हैं। बहुत ही टेस्टी और ज़बरदस्त था ये रोल है। सबसे पहले हम आटा लगाएंगे। इसके लिए मैंने ले लिया है 2 कप मैदा। इसमें मैं डाली हूँ 1/2 चम्मच नमक और इसमें मैं डाल रही हूँ 3 चम्मच है ये मेरे पास तेल, रिफाइंड ऑयल है उसे हम मैं डाल रही हूँ। इससे अच्छा खस्ता बनेंगे हमारे रोल। और अब मैं इसमें डालूँगी 2 बड़े चम्मच दही के और इन तीनों चीज़ों को डालकर हम मैदे के साथ अच्छी तरीके से इसे मिला लेंगे। फिर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसका एक डो बनाएंगे। आटा मैंने गूंद लिया है। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा तेल लगाऊंगी और तेल लगाने के बाद इसे अच्छी तरीके से लगा कर मैं इसे ढक के साइड में रख दूंगी। अब हम चिकन की तरफ चलते हैं। ये ले लिया है मैंने चिकन, ये बोनलेस चिकन है। इसके मैंने इसे छोटे छोटे पीसेस कर लिए। इसे मैंने अच्छे तरीके से धो भी लिया है और इसका पानी अच्छी तरीके से निकल जाए आप देख लें। उसमें हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, 1.5 चम्मच में डाल रही हूँ। अब हम इसमें डालेंगे नमक, जितना मेरा चिकन उसके हिसाब से मैंने लिया है नमक, आप अपना हिसाब से देख लें। और ये लाल मिर्च का पाउडर है ये 1/2 पिंच, काली मिर्च का पाउडर है और ये 1/2 चम्मच गरम मसाला है। इसे हम डाल देंगे और इसमें डालेंगे कसूरी मेथी। इसमें डालेंगे हम 2 चम्मच दही। चम्मच डालेंगे ये रेड चिली सॉस है, डाल देंगे, थोड़ा चटपटा हो जाएगा इससे। और इसमें हम डालेंगे रेड फूड कलर, इससे थोड़ा कलर अच्छा दिखाई देगा। अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच तेल। और इसे डालकर अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे हम और इसे कम से कम 1/2 घंटे के लिए हम रख देंगे। आटा भी जो हमने गूंदा था उसे भी हम 1/2 घंटे के लिए रखे हैं और इसे भी दोनों चीज़ों को 1/2 घंटे के लिए हम रख देंगे। 1/2 घंटे के बाद मैंने पैन को गर्म कर दिया और जो चिकन हमने मैरिनेट करके रखा था उस पैन में मैं डाल दूंगी। इसमें हमने ऑयल वगैरह नहीं डाला है क्योंकि हमने मैरिनेशन में 2 चम्मच तेल डाला था। देखिए 5 मिनट मैंने इसे ढककर पकाया, इसके अंदर से काफ़ी पानी रिलीज़ हो रहा है। अब इस पानी को हमें सुखाना है, इसे अच्छी तरीके से पकाना है। ये देखिए पानी इसका सूखने लगा और चिकन हमारा अच्छी तरीके से टेंडर भी हो गया है। मैंने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया। अब मैं इसमें स्मोकी फ्लेवर देने के लिए ये कोयले का धुआं दे रही हूँ। टिक्के हमारे तैयार हो गए हैं, इसे ढककर साइड में रख दें। इधर दूसरी तरफ मैंने लिया एक अंडा, इसमें मैं डाल रही हूँ अंडे के हिसाब से 1 पिंच मैंने नमक डाला। इसे अच्छी तरीके से फेंटेंगे। ये रोल के अंदर हम ये अंडा डालेंगे, इसके लिए हमें इसे फ्राई करना है। बहुत ही कम तेल में इसे फ्राई पैन में डालें, इसे बढ़ाकर फ्राई कर लें। यहाँ देखिए मैदे के मैं छोटे छोटे पेड़े बना रही हूँ, जैसे हम रोटियाँ बनाते हैं उससे थोड़ी सी छोटी होनी चाहिए क्योंकि जो रोटियाँ हम बेलेंगे वो बहुत ही पतली होगी। ये देखिए इस साइज़ का पेड़ा मैंने बनाया है। अब हम इसे बेलकर इस तरीके की रोटी बना लेंगे। देख लीजिए मैंने बहुत ही पतली ये रोटी बेली है। इसके ऊपर मैं रख रही हूँ ये अंडा जो मैंने फ्राई किया था। जिसे एग वाला पसंद हो उसे एग के साथ दें, जिसे एगलेस पसंद हो बिना एग के आप इसे बना सकते हैं। इसके ऊपर मैंने डाला है टमाटो केचप। टोमेटो सॉस को अच्छी तरीके से अंडे पर फैलाएंगे। अब मैं इसमें डालूंगी ग्रीन चिली सॉस। अगर आप खट्टा ज़्यादा पसंद करते हैं तो इसके अंदर इमली का पल्प भी डाल सकते हैं और इसे अच्छी तरीके से इस पर फैलाएं। अब मैं इसके ऊपर डालूंगी चिकन के पीसेस। आप जितनी चाहे चिकन की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। अब हम घर में बना रहे हैं तो अपने हिसाब से आप इसे डालिए। इसके ऊपर मैं डाली हूँ कटी हुई प्याज। मेरे पास कुछ रखे हुए थे चीज़ के स्लाइसेस। अब ये बच्चों का बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है तो इसमें चीज़ तो जानी ही है। आप अपने पसंद के मुताबिक इसमें चीज़ डाल सकते हैं। मेरे पास ये चीज़ के स्लाइसेस थे तो मैं इसे इस तरीके से कट करके डाल रही हूँ। रोल के साइज़ का आप इसे फैला लें। अब देखिए रोल को मैं किस तरीके से लपेटूँगी। ये देखिए दोनों साइड से हमें इसे इस तरीके से कवर करना है, सारी चीज़ें अंदर करके फिर हमें रोल करना शुरू करना है। बहुत धीरे धीरे से करेंगे क्योंकि बहुत ही बारीक चपाती जैसी है
रोटी हमारी, और इसे अच्छी तरीके से हाथों की मदद से देखिए, बिल्कुल धीरे धीरे हमें रोल करना है। बहुत आसानी से बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। ये देखिए हमारा रोल बन के तैयार हो गया है। पैन में इधर तेल भी गर्म हो गया है। अब हम इसे धीमी आँच पर शैलो फ्राई करेंगे। ये देखिए मैंने रोल को डाल दिया। अब ढककर इसे हम 5-5 मिनट पर एक एक साइड चेंज करते रहेंगे। ढककर पकाएंगे हम तो अच्छी तरीके से अंदर तक पक जाएगा ये। देखिए साइड को चेंज कर करके मैं इसे बिल्कुल स्लो फ्लेम पर पकाती रही हूँ, अलट पलट कर, और इसे जब तक अच्छा सुनहरा रंग ना आ जाए अलट पलट कर इसे पकाते रहें। ये देखिए कितना बेहतरीन, कितना ज़बरदस्त कलर आया, बहुत ही ज़्यादा ये क्रिस्पी बना हुआ था और इतनी ज़बरदस्त ये टिक्के की खुशबू आ रही थी। बहुत ही लाजवाब और टेस्टी है ये रोल। ये देखिए रोल हमारा बनकर तैयार हो गया है, चारों तरफ से बहुत ज़बरदस्त कलर भी आ गया है, बहुत ही टेस्टी है। आप इसे बनाएंगे तभी आपको इसका मज़ा मिलेगा, और आप इसे ज़रूर बनाएं, अपना फ़ीडबैक मुझे दें, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर भी करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अल्लाह हाफिज़।